लकड़ी को तराशना और नक्शोनिगार बनाना एक फन है। माजी में फनपारों की तैयारी के लिए रिवायती औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे तैयार करने में कई दिन लग जाते थे, मगर आज पुराने औजारों की जगह जदीद मशीनों ने ले ली है। कार्विंग का काम जो पहले सारा हाथ से होता था, अब इसकी जगह जो है ना मशीनों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी आज भी लोग जो इस काम को जानते हैं, समझते हैं, वो ये हाथ का काम ही किया हुआ पसंद करते हैं। घरों के दरवाजे हों या खिड़कियां या फिर उन पर लगने वाली जाली, सब पर ही दीदा जेब नक्शो निगार बनाए जाते हैं, जो घरों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मशीन से काम बहुत अच्छा हो जाता है और कस्टमर को जो हम काम देते हैं वो टाइम पे हो जाता है। और ये है कि हाथ से जो काम होता है वो मशीन से नहीं होता, जो मशीन से काम करते हैं बड़ी सफाई आती है। कुंदा कारी के साथ साथ लकड़ी की तराश खराश करके कुरानी आयात और उर्दू में तहरीरें भी लिखी जाती हैं, जिन्हें घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के इस्तेमाल से जहां नक्शो निगारी में जिद्दत आई है, वहीं नित नए डिजाइनों ने घरों की खूबसूरती में इजाफा किया है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ सैयद माजी, 24 न्यूज़, मुल्तान।